कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज मैं आपको अपने फ्लैट पे नहीं बल्कि अपने फ्लैट पे लाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि पहली बार मैं जा रहा हूँ खाना बनाने और वो खाना कैसा बनता है। आपको इस जर्नी पे लेके चलते हैं, आ जाइए मेरे पीछे। तो दोस्तों, खाना बनाने से पहले मैं आपको अपने किचन का टूर देता हूँ। तो स्टार्ट होता है हमारा किचन बहुत ही शानदार तरीके से, और ये है सिंक जिससे पानी आता है और यहाँ पे आप बर्तन भी धो सकते हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आता है इंडियन गैस जिसका यूज करके हम लोग खाना बनाते हैं, और ये है चूल्हा, ठीक है, जिसकी वजह से आग जलती है, और ये है फ्राई पैन, तवा, ये है तवा। इसमें हम लोग रोटी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं अगर एक लोग की है, और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास है ये कुकर, फिर हमारे पास है ये चावल, फिर हमारे पास है टाटा सॉल्ट, हमारे पास है ये राजधानी कच्ची धानी सरसों तेल। तो आज हम इन सब का यूज करके बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, फ्राइड राइस। तो आइए चलिए चलते हैं आपको फ्राइड राइस की जर्नी पे, पास आओ। तो देखो यार, खाना बनाने का अभी हम लोग का जोश नया नया है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खाना खुद ही बनाया जाए। अगर आफ्टर दैट अगर एक दो हफ्ता बनाएंगे, अगर सही ना लगा तो मेड रख लेंगे और टिफिन लगा लेंगे, लेकिन देखते हैं पहले कि हम लोग बना भी पा रहे हैं कि नहीं। तो जो अगला स्टोव जलाने वाला है वो हमारा दोस्त है हर्षित, गेट रेडी फॉर इट। तो दोस्तों, ये स्टोव जो है वो पहली बार जलने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट मैन। तो दोस्तों, ये हम लोग एक गिलास ले चुके हैं और इसी में हम बनाने वाले हैं चावल, ओके, मतलब ये एक गिलास चार जन के लिए, ओके। पानी एक गिलास में कितना पानी पड़ेगा भाई, एक गिलास में कम से कम, अबे नहीं पानी इतना पड़ता है भाई, बराबर आ जाओ, एक गिलास और आधा, मतलब डेढ़ गिलास ना, डेढ़ गिलास। तो एक गिलास चावल में डेढ़ गिलास पानी, नहीं भाई वो सरफेस एरिया पे मैटर करता है, समझ रहे हो, इतना होना चाहिए, मतलब जितना इतना चावल है ना उससे इतना ज्यादा बड़ा, इनकेस अगर जो भी खराब चावल है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अरे क्या क्या बात कर रहा है, नहीं मैं बोला ना, जितना बचा फिर क्यों रहा है भाई, डाल दे पूरा, पहले पूरा भी डाल दे भाई, बचेगा तो कल सुबह फ्राई कर लेंगे, कल सुबह तवा पे गरम कर लेंगे। अबे तो एक डेढ़ गिलास है ना चावल, दो गिलास हो गया, और उसमें पानी कितना डालेंगे। तो दोस्तों, अभी चावल जो है वो चढ़ने वाला है, और आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो देखते रहिए आगे, नहीं छाटा तो पानी का कनेक्शन भाई, वो चावल में तेल नहीं डाला। तो दोस्तों, हम लोग YouTube का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मम्मी से, वैसे उसकी मम्मी बोल रही है वैसा हम लोग बना रहे हैं। क्यों क्या पूछ रहे हो, घी डालता है, सुनना भाई, भाई चावल तो पलटा कहाँ है, पलटा घी है क्या, वो ऐसे ही डालते हैं, जरूरी नहीं होता है डालना। अबे तो चिपकेगा भाई, नहीं चिपकता है भाई, क्या बोल रहा है ये, चावल चिपकता है, क्या बोल रहा है ये भाई, चावल ऐसे गट्ठा नहीं बन जाता भाई, नहीं बनता है भाई, हो जाता है तो पहली बार बना रहे हो क्या चावल, हाँ भाई पहली बार बना रहा हूँ। थोड़ा 5 मिनट छोड़ते हैं, ऐसा भी होता है, 5 मिनट पानी डाल के छोड़ोगे नहीं, हाँ थोड़ा उबालोगे भाई, डायरेक्ट बंद करोगे, अबे नहीं उबाल, एक ही बार साफ क्यों, नहीं हाँ बट साले क्या, अबे पता पता क्या किया है, बस पानी डाला है चढ़ा दे रहे जा, अरे कम से कम 2 बार धुल दो उसको यार, हाँ भाई 2 या 3 बार कम धुलना चाहिए, तू कितने बार बनाया हो, मैं बनाया हूँ 2-3 बार किया उसको, धुलने वाला काम तो मैंने किया है भाई 3 बार, अरे अरे इसके आगे आता है दूध, आखिरी आगे सोचना भाई, तू पहले उबलता है थोड़ा सा उबलने लगे, फिर उसके बाद सीटी लगा देना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार गैस जलने जा रहा है, चलाओ भाई हाथ पकड़ लो भाई, पकड़ाओ भाई, अरे भाई जला, आयुष तू भी पकड़ भाई, ओ ओ ये भाई जल गया, क्या बात है, रंग कपनो हो गई। पहली माचिस है जिससे हम लोगों ने चूल्हा जलाया था, इसको कैद करके रख लिया जाए थोड़ा सा, क्या बात है, क्या तो जो चावल था वो चढ़ गया है और प्याज जो है वो कट गई है, और बाकी सारी चॉपिंग वगैरह भी अभी डन है, मतलब डन नहीं मतलब हो रही है, ठीक है। तो मैं जब थोड़ा बहुत बन जाता है मैं आपको तब दिखाता हूँ, चलिए पहली सीढ़ी बोल दी है, स्लो करेगा भाई, चावल कितना अच्छा महक रहा भाई, हाँ यार कौन सा भाई, 2 सीढ़ी बोल दिया, मैं तो कह रहा बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा महकने लगे ना तो बंद,
जला भाई, वो जला हमें, मुझे लग रहा है जला दिया भाई। अब कल करते, अब कल बनाते हैं आगे का। चावल बना के रखते हैं, फ्राई करके कल करेंगे। हाँ 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 भाई, तो अभी क्या खाएंगे? हो गया ना, ऑर्डर कर लिया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी पानी ना रह जाएगा। अभी छोड़ दो ना, हो सकता है भाई, अभी हो जाएगा, हो जाएगा, उसी में छोड़ दो। टॉपिंग तो हो चुकी है, ये है कैरेट और ये है कैप्सिकम, और फाइनली अब जा रहा है ये कुकर खुलने फर्स्ट टाइम। खोलो, खोल दो भाई, खुल जाए, देख भाई, देख भाई, खुल जाएगा, अरे खुल जाएगा भाई, ऐसे खुलेगा, अरे खोल ना यार, अपने आप खुल गया ऑटोमेटिक। थोड़ा सा पानी है मुझे लग रहा है। अबे बढ़िया हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं बीच में डाल के ऐसे कर, अच्छा खासा हो गया। दोस्तों आइए दिखाता हूँ चावल कैसा बना है, काफी ज्यादा बेहतरीन चावल बना है, ट्राई कर सकता हूँ। बहुत गर्म होगा, हल्का सा कच्चा लग रहा है, कच्चा लग रहा है, लेकिन मेरा दिल तो सच्चा है ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ सही तो है यार, हाँ हाँ दोस्तों ये बन चुका है, मतलब जो भी प्रोसेस था ना पूरा आपने देखा होगा, काफी हद तक बन चुका है, काफी हद तक क्या पूरा ही बन चुका है भाई। डाल दे यार थोड़ा, मजा नहीं आएगा सॉस डाल के, थोड़ा साइड में डाल दे, मैं जब मन करेगा। ओवरऑल कितना कैसा है तभी भाई, मुझे तो स्पाइसी ही पसंद है यार, खाने की करनी चाहिए। सो हेलो दोस्तों, हम आए हैं, आज कहाँ आए हैं भाई, नोएडा आए थे घूमने दोस्तों के साथ, तो कुछ दोस्त मेरे उस रेस्टोरेंट में गए हैं पानी वगैरह लाने, और ये मेरा एक दोस्त, बस ये मेरे ब्लॉग्स में वॉइस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, स्लो स्लो मैं बात करूँगा, यू नो, बाकी ठीक है, और कुछ नई चीज़ें होंगी तो मैं दिखाऊँगा, ऑफकोर्स दिखाऊँगा। सो अभी हम आए आइसक्रीम लेने, दोस्त आए, हाँ तो आइसक्रीम, हेलो पूरा हो गया,